नमस्कार दोस्तों, शिक्षा कैरियर जॉब्स के YouTube प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वैकेंसी आई है प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की ये वैकेंसी है। एंड यहां पर जो है ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। सो यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर आपने मास्टर डिग्री की है एंड मास्टर डिग्री के साथ आपने नेट क्वालिफाई किया है, या आपने सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, या आपने पीएचडी कर रखी है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। काफ़ी सारे सब्जेक्ट में वैकेंसी है। आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, आप जो है आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो है आपको किसी भी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए नहीं चाहिए। सेवन्थ पे कमीशन के आधार पर यहाँ पर आपको सैलरी दी जा रही है। एंड कम से कम जो है आपकी यहाँ पे 70,000 रुपये पर मंथ आपकी सैलरी बनने वाली है। और यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टेम्परेरी या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्ड यूज़ नहीं किया गया, तो मान के चलिए कि रेगुलर ये वैकेंसी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन सब्सक्राइब को दबा दे, साथ ही साथ घंटी वाला बटन भी जरूर दबा दे। ये जो वैकेंसी है, ये वैकेंसी आई है श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय, और ये जो है उत्तराखंड से ये वैकेंसी है। और 18 अगस्त को ये जो है नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट जो है जारी हुआ है। एंड यहाँ पर जो है जो वैकेंसी है वो एंथ्रोपोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, होम साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशल वर्क एंड जूलॉजी में वैकेंसी है। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसी है वो यहाँ पर जो है वो 22 पोस्ट है। एंड यहाँ पर अगर बात करें एसोसिएट प्रोफेसर की 11 पोस्ट है, एंड प्रोफेसर की भी यहाँ पे 11 पोस्ट है। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर जो है आप जो पे स्केल है वो यहाँ पे असिस्टेंट लाइब्रेरियन की भी वैकेंसी है, वो एक वैकेंसी है। और लेवल 10 जो है यहाँ पर जो है दिया जा रहा है। लेवल 10 मतलब ये मान के चलिए कि आपको 57,700 रुपये प्लस जितने भी भत्ते हैं आपको मिलने वाले हैं। और यहाँ पर जो है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है, जो UGC का रेगुलेशन 2018 का है, उसके अनुसार जो है वो मिनिमम जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ पर आपने मास्टर डिग्री कर रखी है 55% अंकों के साथ, आप जनरल कैटेगरी से हैं, उसके बाद आपने नेट क्वालिफाई कर रखा है, या आपने उत्तराखंड का सेट जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाई कर रखा है, या आपने PhD कर रखी है इन सब्जेक्ट में, तो आप जो है आवेदन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि आप चाहे किसी भी स्टेट से हैं, अगर जो है आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रिजर्वेशन कैटेगरी का जो लाभ है केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलेगा। मतलब अगर आप मान के चलिए अन्य स्टेट से है और SC या ST या OBC कैटेगरी से है, तो आप जर्नल कैंडिडेट के तौर पर आपको अप्लाई करना होगा। SC ST OBC का लाभ जो है, या दिव्यांग जन का लाभ, केवल उत्तराखंड के मूल निवासियों को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो है जो SC ST और OBC है उनको 50% मास्टर डिग्री में होने चाहिए। आवेदन फीस जो है 1,000 रुपये है जर्नल कैटेगरी के लिए, और यहाँ पर जो है 500 रुपये है वो SC ST और जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है EWS कैटेगरी के लिए, ठीक है। यहाँ पर जो है आपको आवेदन कैसे करना है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्मेट आपका दिया हुआ है, ये आप जब डाउनलोड करेंगे मैं आपको बता दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, किसी भी बैंक से आप बनवा सकते हैं। और किसके नाम से बनवाना पड़ेगा, ये आपको जो है फाइनेंस ऑफिसर श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल के नाम से बनवाना होगा। और यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भर के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको यूनिवर्सिटी के एड्रेस पर भेजना है। कहाँ पर भेजना है आपको, द ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी टिहरी गढ़वाल में, ये पिन कोड है। और आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म 30 सितंबर से पहले पहले जो है आपका मिल जाना चाहिए, मतलब एक महीने से ज़्यादा आपको समय मिल रहा है। तो इस प्रकार से जो है आप आवेदन कर सकते हैं।
जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका, सबसे पहले आपकी शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग करने के बाद जो है आपका जो है इंटरव्यू के लिए जो है कॉल दी जाएगी, और इंटरव्यू के कॉल दिए जाने के बाद जो है आपका जो है इंटरव्यू के आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन आपका होगा। तो आप जो है आवेदन करने से पहले जो है इस एडवर्टीजमेंट को अच्छी तरीके से पढ़े एंड समझे, उसके बाद आवेदन करें, क्योंकि जो है इसमें आपकी फीस काफ़ी ज़्यादा है, 1,000 रुपये और 500 रुपये फीस है। तो आप जो है यहाँ पर आवेदन जो है ये अच्छी तरीके से जो है आप पढ़ सकते हैं। एंड यहाँ पे जो है अन्य वैकेंसी भी है, जैसे प्रयोगशाला सहायक है, इसमें जो है आपकी इंटरमीडिएट एंड भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान यानी कि साइंस सब्जेक्ट से आपकी होनी चाहिए 18 से 42 वर्ष। ये आपको पे बैंड कंप्यूटर ऑपरेटर की भी है एक वैकेंसी एंड पुस्तकालय लिपिक की भी एक वैकेंसी है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं एंड मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको दिखा देता हूँ। सो ये श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपको एडवर्टीजमेंट कहां पर मिलेगा, आपको एडवर्टीजमेंट के लिए जो है लेटेस्ट न्यूज पर आना पड़ेगा यहां पर। एंड यहां पर 19 अगस्त का ये आपको एडवर्टीजमेंट दिख रहा है, तो इस पे आप जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ऑलरेडी मैंने इसको डाउनलोड कर रखा है, तो मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो है आपके सामने फाइल ओपन हो जाएगी, आप खुद इसको पढ़ें, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है आप यहां पर डाउनलोड करके आवेदन जो है, जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भर के, डिमांड ड्राफ्ट बनवा के, इसको स्पीड पोस्ट या रजिस्ट्री के द्वारा जो है वो जो रजिस्ट्रार ऑफिस है श्री देव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी का, वहां पर आप इसको सेंड कर दें रजिस्ट्री या फिर स्पीड पोस्ट से। तो चलिए, वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।